नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां भारतीय किसान यूनियन ने बैठक बुलाई है। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भारतीय किसान यूनियन ने बुलाई आपातकालीन बैठक। 22 नवम्बर को लखनऊ में होगी महापंचायत। तीनों कानूनों की वापसी पर किसानों की घोषणा, अभी किसान आंदोलन बंद नहीं होगा। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भारतीय किसान यूनियन ने बुलाई आपातकालीन बैठक। 22 नवंबर को लखनऊ में होगी महापंचायत। तीनों कानूनों की वापसी पर किसानों की घोषणा, अभी किसान आंदोलन बंद नहीं होगा। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो भारतीय किसान यूनियन ने बुलाई आपातकालीन बैठक। 22 नवंबर को लखनऊ में होगी महापंचायत, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। जहां बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, जिसके बाद अब किसानों ने बैठक बुलाई है मुजफ्फरनगर में। अब ये बैठक होगी, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय किसान यूनियन ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। दबंगों की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल, फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, युवक को पीटते हुए वीडियो हुआ वायरल। लाठी डंडों से दबंगों ने की युवक की पिटाई, बड़ी खबर सामने आ रही है फर्रुखाबाद से। तमाशबीन बने युवक की पीटते देखते रहे लोग, पुलिस दबंगों पर नहीं कस रही लगाम। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास का ये मामला है, दबंगों की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल, युवक को पीटते हुए वीडियो वायरल। लाठी डंडों से दबंगों ने की युवक की पिटाई, तमाशबीन बने युवक को पिटते देखते रहे लोग, पुलिस दबंगों पर नहीं कस रही लगाम। फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास का मामला, दबंगों की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। नहीं थम रहा रफ्तार का कहर, फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, तेज रफ्तार दो ट्रकों की हुई भिड़ंत, ट्रक के खलासी की हुई मौत, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दोनों ट्रकों के ड्राइवर हुए फरार। हुसैनगंज के धनसीनपुर मोड़ की घटना, नहीं थम रहा रफ्तार का कहर, फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, तेज रफ्तार दो ट्रकों की हुई भिड़ंत, ट्रक के खलासी की हुई मौत, फतेहपुर से बड़ी खबर, दोनों ट्रकों के ड्राइवर हुए फरार। हुसैनगंज के धनसीनपुर मोड़ की घटना, इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए फतेहपुर से संवाददाता अमरदीप जुड़ चुके हैं। अमरदीप, क्या है पूरा मामला, किस तरह से हुई ये भिड़ंत? फतेहपुर जनपद के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के धनसीनपुर गांव के मोड़ के पास की घटना है, जहां पर आज सुबह लगभग वही 5:30 और 6 के बीच में तेज रफ्तार दोनों तरफ से अनियंत्रित ट्रकों की सीधी भिड़ंत हुई है, जिसमें कि ट्रकों के परखच्चे उड़ गए हैं और एक खलासी की मौत भी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ दोनों ट्रकों के ड्राइवर फरार बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस ने पहुंच करके शव को कब्जे में लेकर जिंदा होने की आस को लेकर के हॉस्पिटल ले गए हैं, पर जहां डॉक्टरों ने उस खलासी को मृत घोषित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस जो है उन दोनों ट्रकों के मालिकों से बातचीत करने का प्रयास कर रही है और दोनों फरार ट्रक के चालकों की तलाश कर रही है। जी अमरदीप, हम ये भी जानना चाहेंगे कि फतेहपुर में जो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता है आए दिन, उसको रोकने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, प्रशासन तो बराबर ये कहता है कि एक सीमित गति से चले, पर अगर देखा जाए तो रात का वक्त हो या सुबह का वक्त हो, हमेशा तेज रफ्तार, जिसके लिए अगर अभी तक कोई भी रोड की स्पीड को कम करने के लिए कोई भी ऐसे जो है यंत्र नहीं लगाए गए हैं जिससे कि स्पीड में नियंत्रण हो सके। जी, इस तरह से जागरूक किया जा रहा है पुलिस द्वारा लोगों को, लेकिन फिर भी जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो तेज रफ्तार में चलते हैं, जिसकी वजह से कई आम लोगों की भी मौत होती है, क्या कहेंगे इस पे? बात बिल्कुल सही है कि पुलिस प्रशासन द्वारा बराबर जागरूक किया जा रहा है, एड भी दिया जा रहा है, विज्ञापन भी करवाया जा रहा है, मुनादी भी करवाई जा रही है, पर इसका कहीं ना कोई असर जो है देखने को नहीं मिल रहा है। पर हाँ, इतना जरूर है कि जो वास्तव में बेचारे निर्दोष हैं,
जो राहगीर हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो ये एक प्रशासन के सोचने का विषय है कि किस तरीके से एक बैठक करके, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करके एक निर्णय लेना चाहिए कि आखिरकार इन तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहनों पे कैसे रोक लगाई जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ फतेहपुर से संवाददाता अमरदीप जुड़े थे। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आज होगी लोकदल की परिवर्तन संदेश रैली, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी होंगे शामिल, रैली को संबोधित करेंगे जयंत चौधरी, बघरा के इंटर कॉलेज मैदान में होगी रैली। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज होगी लोकदल की परिवर्तन संदेश रैली, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी होंगे शामिल, रैली को संबोधित करेंगे जयंत चौधरी, बघरा के इंटर कॉलेज मैदान में होगी रैली। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज लोकदल की परिवर्तन संदेश रैली होनी है। मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने, जिंदा मरीज को मृत किया घोषित, सीएमओ ने मामले में दिया बड़ा बयान, कहा जांच के बाद मरीज को किया गया मृत घोषित, कुछ मामलों में दोबारा चलने लगती है सांसें। मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने, जिंदा मरीज को मृत घोषित किया, सीएमओ ने मामले में दिया बड़ा बयान, कहा जांच के बाद मरीज को किया गया मृत घोषित, कुछ मामलों में दोबारा चलने लगती है सांसें। तो बयान में कहा कि जांच के बाद ही घोषणा की मृत होने की। मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो अस्पताल की, जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद मरीज को मृत घोषित कर दिया गया और फिर मरीज की सांसें चलने लगी। सीएमओ ने इस मामले में बड़ा बयान भी दिया है, सीएमओ ने कहा है कि जांच के बाद मरीज को मृत घोषित किया गया, लेकिन कुछ मामलों में एक बार फिर सांसें चलने लगती है मरीजों की। बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद ये बयान भी सामने आया है और कहा गया है कि कुछ केस में ऐसा भी होता है कि दोबारा सांसें चलने लग जाती है और इस बयान के साथ इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। सीएमओ ने मामले में ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जांच के बाद ही मरीज को मृत घोषित किया था, जिंदा मरीज को मृत घोषित करने की एक खबर मुरादाबाद से सामने आई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने दिया बयान, बड़ी खबर सामने आ रही है, बातचीत से समाधान होगा, हम बातचीत करना चाहते हैं, राकेश टिकैत ने कहा, बातचीत के बाद धरना खत्म होगा। बड़ी खबर सामने आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है, बातचीत से होगा समाधान, राकेश टिकैत ने कहा, जो कल पीएम मोदी ने तीन नए कृषि कानून वापस लेने की बात कही है, तो उसके बाद अब राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा बातचीत के बाद धरना खत्म होगा, बातचीत से ही हल निकलेगा और हम बातचीत के लिए तैयार हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने यह बड़ा बयान दिया है, बातचीत से समाधान होगा, राकेश टिकैत ने कहा। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं। कोरोना के मामले में आई गिरावट, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,302 नए मामले आए सामने, 267 संक्रमितों की हुई मौत, 531 दिनों बाद कम हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। कोरोना के मामलों में आई गिरावट, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 10,302 नए मामले पिछले 24 घंटे आए सामने, 267 संक्रमितों की हुई मौत, 531 दिनों बाद कम हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। देव दीपावली पर दिखा अद्भुत नजारा, वाराणसी से बड़ी खबर, 15 लाख दीयों से जगमगाई काशी, दीपों की रोशनी से जगमगाए 84 घाट, गंगा घाट पर हुई महाआरती। देव दीपावली पर दिखा अद्भुत नजारा, वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है, 15 लाख दीयों से जगमगाई काशी,
दीपों की रोशनी से जगमगाए चौरासी घाट। गंगा घाट पर हुई महाआरती, वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिवाली के वक्त अयोध्या में भव्य नजारा देखने को मिला, तो देव दीपावली पर वाराणसी भी 15 लाख दीयों से जगमगाए चौरासी घाट। दीपों की रोशनी से जगमगा उठे भव्य महागंगा आरती भी हुई। वैसे तो वाराणसी में गंगा आरती भव्य होती है, लेकिन महाआरती का आयोजन किया गया देव दीपावली के अवसर पर। 15 लाख दीयों से पूरी काशी जगमगाई, दीपों की रोशनी से जगमगाए चौरासी घाट। हर घर में दीप जलाए गए, दिवाली की जैसा उत्सव मनाया गया गंगा घाट पर। महाआरती का आयोजन किया गया देव दीपावली पर, भव्य और अद्भुत नजारा देखने को मिला। बड़ी खबर सामने आ रही है, अखिलेश बोले वोट के लिए वापस हुए कानून। प्रियंका बोली सरकार को झुकना ही पड़ता है, बड़ी खबर सामने आ रही है। कृषि कानून वापसी पर यूपी में सियासत, अखिलेश बोले वोट के लिए वापस हुए कानून। प्रियंका बोली सरकार को झुकना ही पड़ता है, कृषि कानून वापसी पर यूपी में सियासत। अखिलेश बोले वोट के लिए वापस हुए कानून। प्रियंका बोली सरकार को झुकना ही पड़ता है, कानून वापसी पर यूपी में सियासत, बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश बोले वोट के लिए वापस लिए गए कानून। प्रियंका बोली सरकार को झुकना ही पड़ता है, कानून की वापसी पर अब एक बार फिर यूपी में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है, जहां अखिलेश ने बयान दिया है और बोले वोट के लिए वापस हुए ये कानून। वहीं प्रियंका ने कहा कि सरकार को झुकना ही पड़ता है, तो सियासत जारी है। कानून वापसी पर श्रावस्ती बहराइच बॉर्डर पर हुआ सड़क हादसा, बड़ी खबर सामने आ रही है। NH 730 पर कार चालक की हुई मौत, दो महिला समेत एक बच्ची घायल, श्रावस्ती से बड़ी खबर।